नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्व की यूपीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि सभी राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस भावना को जमीनी स्तर पर फैलाने के लिए उत्तर पूर्व को कांग्रेस मुक्त बनाना अहम था। आज पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। गृह मंत्री ने एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह बोले कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से देश में इस तरह की समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन केंद्र सरकार एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। एक समय मर्यादा के अंदर काम हुआ है, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि एक भी घुसपैठियों को भारत सरकार यहाँ पर नहीं रहने देंगी, वो हमारा संकल्प है। अमित शाह ने अनुच्छेद 371 को लेकर भी लोगों के मन से भ्रम निकाला। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। अनुच्छेद 371 को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है और पूर्वोत्तर के राज्यों के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। शाह के मुताबिक अनुच्छेद 370 और 371 में बहुत फर्क है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 371 को कभी भी नहीं छुएगी। अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 स्पष्ट रूप से अस्थायी था, जबकि अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थायी उपबंध था, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है और मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371 ए टू जे का संपूर्ण सम्मान करती है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहती। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इससे पहले पूर्वोत्तर को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध आव्रजन और सामाजिक तनाव के लिए जाना जाता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से अब इसे विकास, बुनियादी ढांचे, खेल, कनेक्टिविटी और पूर्व की ओर देखो नीति के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।